सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बहराइच बॉर्डर पर एक बड़ी दुर्घटना आज सुबह सामने आई। आपको बता दें, इकौना से प्रयागपुर की तरफ मोरंग लाद कर जा रहा ट्रक और प्रयागपुर की तरफ से आ रहा डंपर, जिसमें भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो से तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस व आसपास के लोगों ने घायलों को किसी प्रकार से बाहर निकाल कर अस्पताल भिजवाया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल और कार्रवाई में जुट गई। श्रावस्ती से इकौना प्रयागपुर मार्ग पर यह हादसा बरगदही तथा मेजाभार के बीच में हुआ, जहां पर सुबह सवेरे इस हादसे के बाद काफ़ी देर तक यहां पर यातायात भी प्रभावित रहा। दोनों वाहन सड़क पर ही खड़े रहे। काफ़ी देर बाद यहां पर 3 JCB बुलाकर दोनों वाहनों को सड़क किनारे किया गया, जिसके बाद आवागमन सामान्य हो सका। मृतक की पहचान श्रावस्ती जनपद के नवीन मार्डन थाना श्रावस्ती इलाके के चौखड़िया निवासी 32 वर्षीय बुधराम के रूप में हुई है, जो मंगल प्रसाद का पुत्र था। आपको बता दें, 1 माह पूर्व भी उसने एक ट्रक खरीदा था और उसी ट्रक से बालू लादकर वो प्रयागपुर की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रही डंपर से उसकी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार वाले घटनास्थल पर पहुँचे। तब तक पुलिस ने घायलों और शव को वहां से हटा दिया था, जिन्हें जिला अस्पताल बहराइच भेज दिया गया। साथ ही पोस्टमार्टम के लिए शव को भी कब्जे में लेकर बहराइच भेजा गया। घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए, जिनको JCB की मदद से मुख्य मार्ग से हटाते हुए सड़क के दोनों पटरियों पर किया गया, जिसके बाद यहां पर आवागमन सुचारू हो सका। इकौना प्रयागपुर मार्ग के मेजाभार बरगदही के पास का यह पूरा मामला है, जहां पर यह भीषण सड़क हादसा सामने आया और रफ्तार का कहर एक बार फिर से दिखाई पड़ा, जहां पर दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, जबकि 2 से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि डंपर चालक की गलती से ये बड़ा हादसा सामने आया और डंपर चालक मौका पाकर मौके से फरार हो गया, जबकि ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जो नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के चौखड़िया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। सबसे तेज खबर श्रावस्ती की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो यहां से घायलों को अस्पताल के लिए भेज दिया गया था और पुलिस के कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हुए थे, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। घटनास्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल को अगर अभी भी आपने लाइक शेयर व सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही श्रावस्ती के साथ साथ बहराइच, बलरामपुर, गोंडा व अन्य जनपदों की भी बड़ी खबरें आपको आसानी से मिल सकें। इस घटना के बारे में आसपास मौजूद लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 7 बजे यह भीषण सड़क हादसा सामने आया, जब आमने सामने दोनों बड़े वाहनों में टक्कर हो गई और टक्कर के बाद यहाँ पर चीख पुकार मची। लोगों ने पहुँचकर वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस की मदद तथा एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने 3 JCB बुलाकर दोनों वाहनों को सड़क के किनारे किया, जिसके बाद यहां पर आवागमन सुचारू हो सका। घटनास्थल पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा। काफ़ी देर तक यहां पर पुलिस को भी तैनात किया गया। दोनों वाहनों को हटाने के बाद आवागमन सुचारू हुआ। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्पीड में
इन दोनों वाहनों की टक्कर हुई होगी, जिसमें इतने बड़े वाहन के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो टुकड़े काफी दूर तक फैले हुए दिखाई पड़े। ट्रक में जहां बालू लदा हुआ था, वहीं डंपर में गिट्टी लदी हुई थी। दोनों वाहन लोड थे और दोनों की स्पीड काफ़ी तेज रही होगी, तभी ये भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। दोनों वाहन कई हिस्सों में बटकर सड़क पर बिखर गए। इकौना पयागपुर मार्ग के बिदोहनी व मेजा भाल के बीच का यह पूरा मामला है, जहां पर भीषण सड़क हादसा सुबह सवेरे सामने आया। लोगों अच्छा कहाँ से आ रहे थे? गोपालपुर। कहाँ, कौन सा जिला? मैंने गाड़ी आ रही थी यहाँ। कौन सी गाड़ी है आपकी? ये वाली है। क्या हादसा कैसे हुआ बताइए, इसके बारे में कितने बजे हुआ पूरा बात बताइए। तो भाई से पूछ लो, हमसे पूछो यार। ये बोले कि हम रनियापुर हैं, तो हम कहा आओ चाय पी कर जाओ, चाय पी लो, खाना खा लो, तब जाओ। तो उन्होंने बोले कि नहीं, हमारे साथ में एक गाड़ी और ही बालू की, तो दोनों गिरेबे हम 12-1 बजे तक अब तब यहाँ भोजन करबे। और उसके बाद में जो है ये आए कहन एक आदमी यहाँ पे जो है लेटरिंग कर रहा था यहाँ पर लेटरिंग, वो सारा बात बताया मेरे को, जो है वो सारी बात बताया कि ये जो है वो गाड़ी निकली, उस गाड़ी को इन्होंने डंपर वाला ने साइड दिया और फिर ये सट से काट के आया और उसके पास ये गाड़ी लगी थी, ये जा करके झप से उसी में इसका ठोकर इसे डंपर वाले ने मारा इसको ठोकर। अच्छा, कितने लोगों की मौत हुई चाचा? ना एक दिन का है, बुधराम नाम है उनका। घायल के प्रजापति कहाँ रहने वाला? ये है तकिया गोपालपुर के गांव चौखड़िया है। अच्छा, कितने घायल हैं? घायल कितने हैं? घायल एक प्रमोद है, प्रमोद नाम का है, वो भी प्रजापति। ये जो ट्रक का ड्राइवर है वो तो यही चौखड़िया का है, वो भी घायल है। हाँ, उसी का गाड़ी थी, गाड़ी उसी की थी जिसकी गाड़ी है वही सवार हुआ। बुधराम का लड़का? हाँ, बुधराम नाम है उसका। ये सड़क हादसा कुछ पता चला कैसे हुआ है? सुना आपके भाई की मौत हुई है। हाँ, हमारा भाई कैसे हुआ कुछ बताइए। सर, मौत के बारे में तो हम थे नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ट्रक इधर उधर से आ रही थी, अचानक पता नहीं कैसे हो गया है, और ज़्यादातर डंपर गिट्टी वाले की गलती थी, उन्होंने ये ठोक दिया। आपके भाई का क्या नाम था? बुधराम प्रजापति। वो उम्र कितनी थी? उम्र लमसम 32 वर्ष। अच्छा, क्या करने आया था वो? वो चला रहे थे, उन्हीं खुद की गाड़ी थी वो बालू। ये ट्रक आप ही का है? जी। अच्छा, बालू लाद के जा रहे थे जी। कितने बजे का यह हादसा है? लमसम 7:30 और 7:30 के बीच। कितने लोग घायल हैं? लगभग घायल उनका बुधराम प्रजापति का साला एक घायल है, प्रमोद कुमार नाम। बुधराम की मौत हुई जी। उनकी लाश कहाँ है? उनकी लाश पयागपुर थाने में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम